दोस्तों ये जो तवीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ इस सिफ़ली तवीज़ से ज़िद्दी से ज़िद्दी महबूब भी आपके क़दमों में आ जाएगा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमेशा आप दोस्तों को हंसता और मुस्कुराता रखे अपने चैनल एजस्ट्रेशन उर्दू इन्फो में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ तो दोस्तों इस तिफली तवीज़ से ज़िद्दी से ज़िद्दी महबूबी दो घंटे के अंदर अंदर आपसे बात करने पर मजबूर ना हो जाए तो कहना ये जो आप तवीज़ देख रहे हैं ये एक सिफली तवीज़ है इस सिफली तवीज़ से आपका महबूब दो घंटे के अंदर अंदर आपसे बात करने पर मजबूर ना हो जाए तो कहना यह बहुत ही ज़बरदस्त तवीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है ये इतना पावरफुल तवीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते ये जिस के लिए भी कर दिया जाए वो कितना ही संग दिल क्यों ना हो वो कितनी ही पत्थर दिल क्यों ना हो कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो वो कितना ही बेरुखा इंसान क्यों ना हो वो कितना ही संग दिल इंसान क्यों ना हो उसके दिल पर ये सीधा तीर की तरह जाकर पैबस्त हो जाता है जाकर ठा करके लगता है यानी कि कितना ही जिद्दी संग दिल और पत्थर दिल इंसान हो वो भी पिघल जाएगा और वो भी आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है इसका आपने गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है किसी किस्म का भी किसी को नुकसान पहुंचाने या फिर इसको किसी किस्म का किसी को तकलीफ़ दुख देने की आपको इस हमल की इजाज़त नहीं है अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर रिलेशन में ही रहना चाहते शादी नहीं करना चाहते अगर रिलेशन में रहना चाहते हैं तो आप इस तावीज़ को कर सकते हैं लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने या तकलीफ़ देने के लिए इस अमल की इजाज़त किसी को नहीं है तो जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं उनको इजाज़त लेनी होगी इजाज़त के लिए सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है फिर आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है काट कर स्किप करके या फिर अगर इसको आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपका ये अमल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं पहली दफ़ा आए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप दोस्तों को इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से ये वजीफा किसी इंसान के दिल में मोहब्बत डालने के लिए किया जा सकता है तो इसके लिए देखें आपको एक अदद सादे कागज़ की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको मैं अपने तकरीबन हर वीडियो के अंदर बताता हूँ क्योंकि अमलियात और जो नकुश है वो अमूमन एक ऐसे ही सादे कागज पर लिखे जाते हैं या फिर तैयार किए जाते हैं। जो कि बिल्कुल सादा हो और ब्लैंक हो जिस पर कोई भी लकीर या कोई भी लिखावट वग़ैरह नहीं होनी चाहिए उस सादे कागज़ का आपने इस्तेमाल करना है इस तावीज़ को बनाने के लिए तो सादा कागज़ बिल्कुल प्लेन आपने ले लेना है आपको मार्केट में बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा या फिर अगर आपके घर में पहले से मौजूद है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उस कागज़ को पहले किसी और चीज में इस्तेमाल ना किया गया हो और कोई वो सामान रखने या उठाने में भी इस्तेमाल ना किया हुआ हो बिल्कुल कोरा कागज होना चाहिए कोरा उसको कहते हैं कि जिसका कोई पहले भी इस्तेमाल ना किया गया हो ऐसा कागज लेने के बाद आपको ब्लैक कलर का पेन ले लेना है ब्लैक कलर का पेन भी चलेगा डॉट पेन जेल पेन पॉइंटर जो भी आपके पास ब्लैक कलर का हो वो चलेगा जिस चीज़ से मर्ज़ी चाहें आप इसको बना सकते हैं इसको बनाने का जो थोड़ा सा तरीका है वो ज़रा अलग है इसको बनाने के लिए दिन कोई नहीं है आप किसी भी दिन इसको बना सकते हैं और इसके लिए वक़्त भी कोई मुकर नहीं है कि इसको किस टाइम बनाएं और किस टाइम ना बनाएं जब आपको मौका मिले आप इसको बना सकते हैं इस तवेज़ को आपने दिन में बनाना है रात में नहीं बनाना है आपने बस जब इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने बैठ जाना है और इसमें नजासत और तहारत की कोई भी शर्त नहीं है कोई भी बना सकता है मर्द और औरत और कोई भी इसको बना सकता है किसी को नुकसान पहुंचाने या ईजा कर देने के लिए इसको नहीं करना है मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर रिलेशन में रहना चाहते हैं किसी की आपको इज्जत आबरू या नामोज से खेलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं आपने दोस्तों किसी भी तरफ मुंह करके बैठ जाना है तो सबसे पहले ऊपर जो एक छोटा सा गोल दायरा बना हुआ है वो बना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपने एक लाइन खींच लेनी है उसके बाद दाएं तरफ से गोल दायरा बना के बाएं तरफ लेके आके आपने फिर एक गोल दायरा बना देना है और नीचे जो उसकी ये शक्ल बनी हुई है इधर से ले जाकर इधर बरत देनी है जो नीचे शेप बनी हुई है लाइनों में ये शेप आपने बना लेनी है ये इसी हिसाब से एक जदवल बन जाएगा ठीक है दोस्तों तो फिर आपने दाएं तरफ से अदाज़ लिखनी शुरू करनी है जो ऊपर वाली लाइन है सबसे पहले दाएं तरफ जो नुकता है वो आपने लिखना है उसके बाद एक एक दो चार दो तीन उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और पहले फिर, फिर नुकता बनाना है फिर पाँच फिर चार फिर एक फिर तीन और फिर नौ तो इसी तरतीब से आपने ये अदाज़ लिख लेने हैं तो आपका तावीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में आपने देखें नीचे लिखना है अलहुब उसके बाद जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं उसका नाम लिखना है अगर वो लड़का है तो उसके नाम के बाद बिन लगाएं आगे उसकी वालदा का नाम आपने लिख देना है और अगर जिसके लिए कर रहे हैं वो लड़की है तो पहले उसका नाम लिखें फिर बिनते लिखें उसके बाद आपने उसकी वालदा का आगे नाम लिख देना है उसके बाद आपने लिखना है अलाहुब उसके बाद आपने करने वाले ने यानी आपने अपना नाम लिखना है अगर आप लड़के हैं तो अपना नाम लिखें उसके बाद बिन लगाकर अपनी वालदा का नाम लिख देना है और अगर लड़की है तो अपना नाम लिख लेने के बाद बिन ते लिख कर अपनी वाला का नाम लिख देना है तो इस तरीके से आपका यह नक्श ये तावीज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा यह नाम आप अंग्रेजी हिंदी उर्दू फारसी सिंधी जो भी आपकी जुबान है आप उस जुबान में नाम लिख सकते हैं तो अब आपने इसका करना क्या है इसी तरह के दो तावीज आपने बना लेने हैं। याद रहे कि बिल्कुल इसी तरह के आपने दो तावीज बनाने हैं एक ही निश्चित में बैठे हुए आपने एक ही बार में इसके दो तावीज बना लेने हैं दोनों तावीज बना लेने के बाद में और नाम वगैरह लिख लेने के बाद में एक तावीज आपने पेड़ के ऊपर लटका देना है कोई पोलोथीन वगैरह लगा कर पेड़ के ऊपर आपने इसको लटका देना है और दूसरा जो तवीज है इसको आपने पत्थर के नीचे दबा देना है पत्थर के नीचे दबाना है पत्थर दिल इंसान भी मोम हो जाएगा तो याद रहे दूसरा तवीज आपने पत्थर के नीचे दबाना है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं जैसे इजाज़त का तरीक़ार बताया गया है वैसे इजाज़त लेकर इस अमल को करें इन ताला इस अमल में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें शेयर कर दें घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें मुझे अब इजाज़त दें दोबारा ऐसे ही नए अमल के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह तमाम दोस्तों का निगेबान वालेकुम अस्सलाम